नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। गंगा स्नान के लिए जा रहे छठ व्रतियों की फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ी। लोग आस्था का छठ पर्व को लेकर छठ व्रती मनिहारी गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, जिसको लेकर फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर छठ व्रतियों की भीड़ उमड़ने लगी है। डीएमयू ट्रेन व अन्य ट्रेन में उमड़ी भीड़ के कारण कई छठव्रती स्टेशन पर ही छूटे तो सैकड़ों छठव्रती पायदान पर खड़े होकर जाने के लिए मजबूर हो गए। छठव्रतियों को ट्रेन में भीड़ बकरियों की तरह चढ़कर जाने की मजबूरी आ गई है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है कि छठव्रती उतरने व चढ़ने के लिए बेचैन हो जाते हैं। सरकारी सिस्टम को कोसने के लिए मजबूर दिखे छठव्रतियों ने कहा कि क्या यही रेलवे की व्यवस्था है। गंगा स्नान को मनिहारी जा रही हजारों छठव्रती महिलाएं स्टेशन पर सरकारी सिस्टम को कोसने पर मजबूर दिखी। कई महिलाओं ने बताया कि छठ जैसे आस्था के महान पर्व में सरकार द्वारा एक और तो नई गाड़ियां दी जाती है, लेकिन फारबिसगंज स्टेशन सुविधा तो भगवान भरोसे ही है। बताते चले कि दीपावली के बाद से ही रेलवे स्टेशन पर महिलाओं का जत्था गंगा स्नान के लिए उमड़ पड़ा है, जहाँ ट्रेन छूटने पर देर रात्रि तक उन्हें मनिहारी जाने के लिए स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। रेल प्रशासन ने कटिहार जोगबनी रेलखंड पर 6 पैसेंजर ट्रेनों के अलावे एक जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया है। पहले 7 जोड़ी ट्रेन चलती थी। ट्रेनों में बोगियों की संख्या कम रहने से भी छठ व्रती खासकर महिलाओं को मनिहारी आने और जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को हो रही अत्यधिक भीड़ को देखते हुए जदयू नेता रमेश सिंह, पवन मिश्रा, जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मनोज गुप्ता, आदर्श गोयल ने DRM कटिहार को अलग अलग मेल भेजकर पैसेंजर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।